you to family and welcome back to my channel Tips and Tricks. I am Pooja and this video is all about skin and makeup. So आप देख सकते हैं कि मैंने अभी मेकअप अप्लाई किया हुआ है और ये बिल्कुल नेचुरल लग रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा ही मेकअप अप्लाई कर लिया है या फिर बहुत ज़्यादा आई लाइनर यूज़ किया है. और लिपस्टिक भी मैंने इसमें बिल्कुल न्यूड यूज़ की है. तो अगर आप भी बिल्कुल मेरे जैसे हैं जो बिल्कुल भी हाई एकदम HD मेकअप यूज़ नहीं करते हैं या फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बोल्ड मेकअप अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल आप नेचुरल और स्वीट से दिखना चाहती हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है. और आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल नेचुरल सब कुछ यूज़ किया है, नेचुरल मेकअप. ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा मेकअप अप्लाई नहीं किया है और ये बिल्कुल मेरे कॉम्प्लेक्शन पे जा रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है. मेरी आँखों पे मैंने बिल्कुल हल्का सा आईलाइनर यूज़ किया है और मैं इस वीडियो में आपको एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ. सो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखना, क्योंकि अगर आप भी मेरे जैसे हैं जिसकी हुडेड आई है और आप भी मेरे जैसे हमेशा काजल अप्लाई करते हैं अपने वाटर लाइन में, तो प्लीज़ दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आप कैसे सही तरीके से अपने काजल को, अपने आईलाइनर को, अपने आई शेडो को और अपने चीक्स को कैसे अच्छा इन्हांस करें और कैसे सही तरीके से अपने काजल को लगाएं. और देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल नेचुरल कलर यूज़ किया है. और आप भी अपने स्किन का, अपने स्किन टोन का आप फाउंडेशन यूज़ करिए और दिस मेकअप इज़ वाओ, कहें कि कितना प्यारा लग रहा है. तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ मेकअप करना चाहती हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें. और हाँ, वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो मैं इसमें 2-3 बोनस टिप्स भी देने वाली हूँ जो आपके मेकअप को और एनहांस करेगा और अच्छा बनाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं अपने बालों को बांध लूँगी. यूज़ करूँगी नीविया सॉफ्ट मॉइस्चराइज़र. इसमें विटामिन ई भी है और ये बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र है. मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो मैं बहुत ही लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ बहुत हैवी मॉइस्चराइज़र्स मुझे ज़्यादा ऑयली कर देते हैं. अब इसे हम अच्छे से अपने फेस पे मसाज कर लेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से, ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है. हम अपनी आँखों पे भी ज़रूर लगाएंगे मॉइस्चराइज़र, जिससे हम आई शेडो जब अप्लाई करें तो वो जल्दी से निकले नहीं. और पूरी नेक पे भी अप्लाई करना है. सो फॉर द प्राइमर आई एम गोना यूज माई फेवरेट लैक्मी एब्सोल्यूट द परफेक्ट प्राइमर. ये बहुत ही अच्छा और आपके चेहरे को एक मैट फिनिश देता है. हम इसको बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे और अच्छे से अपने स्किन पर अप्लाई करेंगे. पूरे स्किन पर अप्लाई करके इसको अच्छे से ब्लेंड करना है. मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ. ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बनाता है. और हम बिल्कुल हल्के हाथों से अपने स्किन पर मसाज करेंगे ऐसे. अब मैं अपने चेहरे पे ये मेबलिन की बीबी क्रीम लगाऊंगी. मेरा शेड 01 न्यूड है. इट हैज़ SPF 21. अब मैं इस मेकअप ब्लेंडर की मदद से अपनी बीबी क्रीम को फेस पे अच्छे से ब्लेंड करूंगी. याद रखें, आप जितना अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे आपका बेस उतना ही फ्लॉलेस और स्मूथ दिखेगा और एकदम मैट फिनिश आपके चेहरे पर देगा. मुझे ये बीबी क्रीम मेबलिन की बहुत ही ज़्यादा सही लगती है, क्योंकि इसमें SPF 21 प्लस भी है, इसलिए ये मुझे धूप की यूवी रेज से भी बचाता है. यह एक परफेक्ट बेस देता है जिससे आपकी स्किन बिल्कुल इवन लगती है. अपने आईलिड्स पे अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें. अच्छे से इसको ब्लेंड करना है. हम थोड़ा सा इसे नेक पे भी लगाएंगे और फिर इसको ब्लेंड करेंगे. और नेक के साथ साथ आपके ईयर्स में ज़रूर इसको लगाना है, अदरवाइज़ आपका ईयर्स और आपका फेस बिल्कुल अनइवन लगेगा. इसे एकदम अच्छे से ब्लेंड कर लेना है. और हमारा बेस अब बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा है, आप देख सकते हैं. अब मैं ये कंसीलर यूज़ करूँगी. मेरा कंसीलर लॉरियल का है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है बट ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है. और आपके जितने भी स्पॉट्स हैं स्पॉट्स पे लगाएंगे. मुझे ज़्यादा वैसे स्पॉट्स हैं नहीं तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा कंसीलर यूज़ करूँगी. और कंसीलर को मुझे लगता है कि ब्रश से मैं अप्लाई कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपके फिंगर टिप से ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होता है और ये
बहुत जल्दी सेट हो जाता है। मुझे ब्रश से इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिला है, इसलिए मैं इसको हाथों से ही अप्लाई करूँगी। अब मैं ये लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी, मेरा लूज़ पाउडर ये कलर रिजल्ट का है और ये थोड़ा हाई डेफिनेशन लूज़ पाउडर है जो मेरे मेकअप को अच्छे से सेट करेगा और इसको एक मैट फिनिश देगा और अच्छे से हम इसको नेक एरिया में अपने और ईयर्स पे भी लगाएंगे, अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। और इसकी इसकी स्मेल तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अगर आप इसको स्मेल करेंगे आप यू विल लव इट। अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद नाउ आई एम गोना यूज़ दिस मेबेलिन कॉन्टोर। ये थोड़ा सा टूट गया है सो प्लीज़ डोंट माइंड। मैं इसका कॉन्टोर पाउडर यूज़ करूँगी, मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मुझे तीनों चीज़ें मिल जाती हैं लाइक हाइलाइटिंग, कॉन्टोरिंग एंड ब्लश। और मैं इस कॉन्टोर को अपनी जॉ लाइन में लगाऊंगी। अगर आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है तो आप यहाँ कॉन्टोर करेंगे तो आपकी डबल चिन बिल्कुल भी पता नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा आपका फेस बहुत ही स्लिम और बहुत ही क्यूट लग रहा है। अब मैं इसको अपनी चीक बोन में लगाऊंगी। स्पेशली कॉन्टोर क्या करता है, आपके चेहरे को थोड़ा सा पतला दिखाता है, ऐसा लगेगा आपका फेस बहुत ही ज़्यादा स्लिम और इन्हांस हो गया है कि आपकी जॉ लाइन और आपकी चीक बोन्स को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करता है। आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है, इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है और लास्ट में हम इसको नीचे की तरफ करेंगे जिससे हमारे फेशियल हेयर ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ रहे। आप देख सकते हैं अच्छे से कॉन्टोर मेरा हो गया है और मैं अब अपनी हेयर लाइन में कॉन्टोर करूँगी और अपने नोज़ पे मैं अपने हाथ स्पेशली नोज़ पे मैं कॉन्टोरिंग अपने हाथों से करती हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि आपके मेरे हाथों से ये ज़्यादा ही अच्छे से कॉन्टोर होता है अपार्ट फ्रॉम ब्रश। ब्रश में मुझे उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है और देख सकते हैं मेरा कॉन्टोर थोड़ा सा कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब हम इसको एक ब्रश की मदद से ब्लेंड करेंगे, थोड़ा सा इसको क्लीन करके अच्छे से ब्लेंड करना है और अब हमारा कॉन्टोरिंग एकदम रेडी हो चुका है। अब देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको बिल्कुल ऐसे ही कॉन्टोर करना है। अगर आपको कॉन्टोरिंग नहीं आती है तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आप अच्छे से कॉन्टोरिंग कर पाएंगे। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है और ये कॉन्टोर एकदम कंप्लीट हो चुका है। सो अब मैं आई शेडो के लिए मैं यूज़ करूँगी दिस, इट इज़ फ्रॉम मेबेलिन और मैं ब्रश का यूज़ करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे पास पूरा ब्रश का सेट है और ये मुझे ये ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप लोगों को अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसका लिंक शेयर कर दूँगी। और हम आई शेडो को अब अप्लाई करेंगे। मैं पूरे बेस पे थोड़ा लाइट कलर यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि बेस के लिए आपको लाइट कलर आई शेडो ज़्यादा परफेक्ट लगता है। मैं इनर कॉर्नर पे मैं लाइट करूँगी। अब मैं आउटर कॉर्नर के लिए थोड़ा सा डार्क लूँगी और इसको अच्छे से ब्लेंड करना है आपको। जितना ज़्यादा आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे अपने आई शेडो को उतना ही ज़्यादा ये अच्छा लगेगा, सो प्लीज़ रिमेम्बर इट, उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। और ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है अब, और मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर में थोड़ा सा लाइट कलर अप्लाई करूँगी जिससे बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा टेंट ग्लो मिलेगा। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ दिस मेबेलिन का आईलाइनर। याद रहे आपको आंखों को खोल के अप्लाई करना है, बहुत लोग आईलाइनर को आंख बंद करके अप्लाई करते हैं, मुझे बिल्कुल भी वैसे नहीं पसंद है क्योंकि अच्छे से आपकी लाइंस को इन्हेंस नहीं करता है और मैं हमेशा आंखें खोल के ही अप्लाई करती हूँ, मुझे पता लगना चाहिए कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक मैं ड्रॉ कर रही हूँ। बहुत अच्छे से, और दूसरी आंख में भी मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ही विंग्ड आईलाइनर नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा विंग नहीं पसंद है। मुझे लगता है कि ऐसे आईलाइनर आप कहीं भी लगा के जा सकती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा विंग्ड होने पे एकदम पार्टी लुक आ जाता है। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी, आपको बहुत ही अच्छे से इसको अप्लाई करना है हल्के हाथों से। और हम अपनी इनर कॉर्नर को भी अच्छे से लाइन बनाएंगे इनर कॉर्नर में, ताकि बहुत ही अच्छे से एनहांस हो जाए अपनी अच्छी सी कैट आई वाला लुक। और अब हमारा आईलाइनर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सो फॉर द काजल, मैं ये वाटर लाइन में अपने न्यूड कलर का काजल अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी सी छोटी हैं। अगर आपकी भी आंखें मेरी जैसी थोड़ी छोटी हैं तो प्लीज़ अपनी वाटर लाइन में आप न्यूड कलर का काजल लगाएं, इससे आपकी आंखें थोड़ी बड़ी सी लगेंगी। इसको अच्छे से आपको अप्लाई करना है बिल्कुल काजल के जैसे वाटर लाइन पे, ध्यान रहे ये बाहर ना निकले। और मैं अब काजल के लिए ये मेबेलिन का काजल यूज़ करूँगी और इसको मैं अपने आउटर लाइन में लगाऊंगी। ध्यान रहे आपको इसको वाटर लाइन में नहीं लगाना है, सिर्फ आउटर लाइन में लगाना है। और लगाने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड भी करना है, अच्छे से इसको पूरी आपके वाटर लाइन में इसको नहीं लगाना है, आपको इनर कॉर्नर थोड़ा सा छोड़ देना है। और इसको अब अच्छे से आई शैडो ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड करना है, इसको बहुत ही जेंटल हाथों से इसको ब्लेंड करें, अदरवाइज ये बहुत ही फैल जाएगा। इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है, आपको अपने इनर लाइन पे बिल्कुल भी नहीं लगाना है काजल को। इसको आपको एक प्यारा सा विंग देने के लिए छोटा सा इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। एंड फॉर द ब्लश मैं यूज़ करूँगी ये लैक्मे की ब्लश स्टिक है, मेरा शेड है कोरल डीवा, ये बहुत ही प्यारा शेड है। आप लिटरली अगर आपको एक अच्छा ब्लश लेना है तो आप प्लीज़ इसको ले सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही कोरल इफ़ेक्ट देता है। और इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, मैं इसको अपने हाथों से ब्लेंड करूँगी अच्छे से, आपको सिर्फ चीक बोन्स में लगाना है, इसको अपनी आँखों के पास बिल्कुल भी नहीं लगाना, अदरवाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा। थोड़ा सा स्माइल करते हुए लगाएं ताकि आपको चीक बोन्स हाईलाइट हो जाएं अच्छे से। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लगाना है और इसको ब्लेंड करते रहना है, एक साथ आपको पूरा नहीं लगाना है। और अब हमारा चीक बोन बिल्कुल हाईलाइट हो चुका, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इफ़ेक्ट आ रहा है, जो पिंकिश पिंकिश बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब अपने मैं आईब्रोज को सेट करूँगी और फॉर दी आईब्रोज मैं दो पेंसिल यूज़ करती हूँ, एक से मैं फिलिंग करती हूँ और एक से मैं लाइनिंग करती हूँ। और ये मैं अच्छे से अपने आईब्रोज को लाइन करूँगी, लाइनिंग के लिए मैं ये लैक्मे एब्सोल्यूट का आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी, इट इज़ शेड एक्सप्रेसो। और फॉर द फिलिंग मैं फिलिंग के लिए ये कलर बार का वाओ ब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी, इसमें थोड़े से क्रेयॉन फाइबर हैं जिससे ये अच्छे से आपकी ब्राउज को अच्छे से ये हाईलाइट करता है और अच्छे से फिल भी करता है। और अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ब्लेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ये अच्छे से आपको ब्लेंड करना है। ये ब्लेंड होने के बाद देख सकते हैं मेरे ब्राउज कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो गए हैं। और अब मैं मस्कारा यूज़ करूँगी, दिस इज़ माई फेवरेट वन, इट इज़ फ्रॉम मेबेलिन कोलोसल वॉल्यूमिनस मस्कारा। अब इसको अच्छे से अप्लाई करना अपने आईलिड्स पे, ये आपके आईलिड्स को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस करेगा और बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम देगा, जिससे आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगी। और अपनी ऊपर की आईलिड्स को पहले लगाना है और फिर सूखने के बाद ही नीचे लगाना है, अदरवाइज़ आपकी आपका आई शेडो भी बेकार हो सकता है। अगर आपको एक ग्लोइंग और प्यारा सा इफेक्ट चाहिए अपने चेहरे पे तो इसको हाईलाइट करना बिल्कुल ना भूलें, ये मेरा फेवरेट स्टेप है। और आप देख सकते हैं मैं इसको कैसे हाईलाइट कर रही हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, चीक बोन्स को हाईलाइट करना है, एक प्यारा सा ग्लोइंग इफेक्ट देने के लिए। थोड़ा सा अपना चिन पे अप्लाई करना है और नोज़ पे तो हाईलाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आपको बिल्कुल ऐसे ही हाईलाइट करना है। और अब हम अच्छे से अपने चेहरे को हाईलाइट कर चुके हैं और मैं अब अपनी आईब्रोज़ को हाईलाइट करूँगी, आप देख सकते हैं आपको बिल्कुल ऐसे ही हाईलाइट करना है जिससे आपके आईब्रोज और इन्हांस हो जाएं। और फॉर द लिप बाम मैं यूज़ करूँगी दिस
लोटस का लिप बाम जो कि मेरा फेवरेट है। और अब मैं ये अपनी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी, जो ये शेड है एक्सपोज्ड बाय न्यूड है। आपको इस आप इस इसे ऑनलाइन अमेज़ॉन या फिर नायका से मंगा सकते हैं। मैं इसको अप्लाई करूँगी, ये बहुत ही प्यारा सा शेड है, थोड़ा सा पिंकी न्यूड है। अब इसको डेली वेयर में बहुत ही कम्फर्टेबली, अगर आप कॉलेज जा रही हैं तो इसको ये शेड आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपका मीडियम टू फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो ये शेड बहुत ही अच्छा जाएगा। और अब हमारा मेकअप पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो देख सकते हैं आप ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।